जेएनयू में एक बार फिर सुसाइड का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि एक रिसर्च के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। अगर माने आत्महत्या के बाद बॉडी को एम्स में लाया गया है जहां पर उनका पोस्टमार्टम होना है, लेकिन पोस्टमार्टम कल होगा क्योंकि उनके पेरेंट्स यहां पर हैं नहीं। सुसाइड करने वाले छात्र का नाम मुथु बताया गया है, मुथुकृष्णन, जो कि रिसर्च का छात्र था। आत्महत्या क्यों किया है इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं मिल पा रही है। उधर पुलिस का ये कहना है कि जहाँ पर इसने आत्महत्या की है वहाँ पर भी उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में उनको फिलहाल थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में। लेकिन इस आत्महत्या के पीछे कहीं ना कहीं मर्डर की साजिश भी दिख रही है, जो कि सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो जेएनयू के छात्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 बजे तक वो जेएनयू कैंपस में ही होली खेल रहे थे। उसके बाद वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने मुनिरका विहार जाते हैं, जो कि जेएनयू कैंपस के सामने ही है। अब अपने दोस्त से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर वो सुसाइड क्यों कर लेते हैं? अगर सुसाइड करते हैं तो उनका वो दोस्त कहाँ है जहाँ पर उन्होंने आत्महत्या की है? और सवाल नंबर तीसरा जो उठाया जा रहा है कि 4 बजे के 4:30 बजे के आसपास की ये घटना है जब उन्होंने आत्महत्या की है, तो इतनी जल्दी इन तमाम जो उनके दोस्त हैं उनको जानकारी कहाँ से मिल गई बिना पुलिस के वहाँ पर पहुँचे हुए? तो ये कई सवाल है जो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जिसके पीछे ये बताया जा रहा है कि ये सुसाइड नहीं ये मर्डर हो सकता है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अतुल के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।